हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीनू ब्लॉग्स। और मैं हूँ चीनू, जो कि आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आजकल बरसात का मौसम चला हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में नई नई डिश खाने को मिलती है। वैसे आज हम बनाएंगे हिमाचल की फेमस डिश पत्रोड़ू, जो कि बनती है अरबी के पत्तों से। तो इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा सा सिलबट्टे पर पीस लिया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे मक्की के आटे में। मक्की के आटे में हम अजवाइन, नमक, जीरा, हल्दी पाउडर को भी मिलाएंगे और आपस में इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। वैसे आप मक्की के आटे की जगह पर बेसन का यूज़ भी कर सकते हो। फिर क्या, आप बैटर को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिलाना है और अरबी के पत्तों पर इस पेस्ट को चिपकाते जाना है। दो तीन पत्तों पर लगाने के बाद हम इन अरबी के पत्तों का एक बंडल जैसा तैयार कर देंगे और उसे बांध भी देंगे, क्योंकि जब हम इन्हें कुकर में डालेंगे तो बंडल खुल सकता है और आपके पत्रोड़ पिच पिच करके बन सकते हैं। तो कुकर में डालने से पहले हम एक कुकर में थोड़ा सा बेस तैयार करेंगे, क्योंकि इससे अरबी के पत्ते नीचे चिपक सकते हैं और आपके पत्रोड़ू बनेंगे ही नहीं। तो एक बेस सा तैयार करेंगे और इन्हें एक्स्ट्रा डिलीशियस बनाने के लिए हल्दी के पत्ते नीचे डाल देंगे। फिर अपने सारे पत्रोड़ुओं को ऊपर ऐड करेंगे और ऊपर से और हल्दी के पत्ते डाल देंगे और कुकर को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। एक सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देना है। ये बिल्कुल ही जल्दी बनने वाली डिश है। फिर क्या, तेल गरम कीजिए और अपने पत्रोड़ू को काटिए और फ्राई कीजिए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए। वैसे हमारे यहाँ तो ये वाली डिश बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। आपके यहाँ ऐसी कोई डिश खाई जाती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे ये डिश खाने में बड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बिल्कुल ऑर्गेनिक पत्तों से बनती है, अरबी के पत्तों से, जो कि हमने खुद उगाए होते हैं। तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं मिल लूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।